जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अमित और स्वागत है आप सभी के एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले पोको M3 Pro 5G के अंदर MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 अपडेट के बारे में, क्योंकि इस डिवाइस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है पोको M3 Pro 5G यूजर जितने भी है यहाँ पर इंडिया में। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा MIUI के अपडेट्स के लिए सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आज की जो वीडियो हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ, पोको M3 Pro 5G के लिए जो है यहाँ पर ये सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है, हालांकि ग्लोबल में भी मिलता है। ग्लोबल वाला थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सा देखने को मिल जाता है पोको M3 Pro 5G। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, जो Redmi Note 10 5G जो डिवाइस है वो यहाँ पर चाइना में देखने को मिलता है। जो डिवाइस चाइना में Redmi Note 10 5G के नाम से गया है वही इंडिया में पोको M3 Pro 5G के नाम से भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों डिवाइसेज बिल्कुल सेम है और चाइना में अपडेट रिलीज होने के एक महीने के अंदर अंदर या एक महीने के बाद जो है ना वो अपडेट इंडिया में एंट्री कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखिए ग्लोबल वाला जो पोको M3 Pro 5G है उससे थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको इंडिया में लॉन्च कराया गया है। तो पोको M3 Pro 5G जो जितने भी हैं उन सभी के लिए MIUI 13 एंड्रॉइड 12 का जो काम है वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर अब जो है इंडिया वाला जो रोम है उसके ऊपर इसको काम करना है और इंडिया के अंदर अपडेट रिलीज करना है। रही बात चाइना में अपडेट कब रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ 23 मार्च को जो है यहाँ पर चाइना के अंदर इस अपडेट को रिलीज करा गया है। दोस्तों 23 मार्च को Redmi Note 10 5G जो डिवाइस है उसके लिए यहाँ पर चाइना में अपडेट रिलीज हुआ MIUI 13 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का, और इंडिया में पोको M3 Pro 5G के नाम से देखने को मिल जाता है। तो इंडिया के अंदर भी जो अपडेट है वो लगभग यहाँ पर तैयार हो रहा है और अपडेट आप सभी के लिए रिलीज होने वाला है। अपडेट का साइज लगभग यहाँ पर 3GB से नीचे का ही होने वाला है। जी दोस्तों, यहाँ पर 3GB के आसपास का अपडेट साइज देखने को मिलेगा, 2.7GB से लेके 3GB के आसपास का जो है अपडेट साइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इतना ही कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स तो वैसे भी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि जो Redmi Note 10 Pro सीरीज है ना उसके अंदर भी 3GB का अपडेट साइज गया है, तो Poco M3 Pro 5G है उसके अंदर भी लगभग यहाँ पर 2.7GB से लेकर 3GB के आसपास अपडेट साइज जाने वाला है। बिल्ड नंबर की बात कर ले तो MIUI 13.0.1.0 के नाम से अपडेट आप सभी को देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, MIUI 13.0.1.0 के नाम से अपडेट देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, और MIUI 13 के ऊपर बेस्ड होगा एंड्रॉइड 12 होने वाला है इसमें। तो आपको एंड्रॉइड 12 वाले फीचर देखने को मिलेगा, जैसे मटेरियल यू आई, ये फीचर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आप कोई भी वाल पेपर लगाओगे स्क्रीन के ऊपर तो जो आपको क्या है कि यहाँ पर कई सारे गूगल्स के जो ऐप्स आपके डिवाइस के अंदर वहाँ पर जो है कलर्स चेंज हो जाएंगे, और गूगल डायलर का भी जो है यहाँ पर थोड़ा लेआउट अंदर से चेंज होगा जब भी आप एक न्यू वॉलपेपर लगाओगे। तो ये कुछ मटेरियल यूआई जो है ना ये यहाँ पर ऐड होने वाला है, एंड्रॉइड 12 का फीचर है, तो काफ़ी एक अच्छी बात है। न्यू विजेट्स वगैरह भी आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो रही बात जो अपडेट है वो इंडिया में कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा पोको M3 Pro 5G यूजर्स के लिए, तो उन लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी 23 मार्च को इंडिया में रिलीज हुए हैं ना, अप्रैल एंड तक का वेट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अप्रैल एंड तक जो है यहाँ पर पोको M3 Pro 5G के लिए एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 का जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया जाएगा। हालांकि जो इसके लिए अभी फरवरी में एक अपडेट रिलीज हुआ था नॉर्मल सिक्योरिटी पैच अपडेट, उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो अपडेट है आप सभी को 10 मई से पहले पहले जो अपडेट है यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा पोको M3 Pro 5G के लिए। एक अपडेट तो आने ही वाला है पोको M3 Pro 5G के लिए, पर बहुत ज़्यादा ये चांसेज है कि इंडिया में इसको MIUI 13 के साथ इसको रिलीज करा जा सकता है, क्योंकि देखिए चाइना में अपडेट यहाँ पर रिलीज हो चुका है, इंडिया में इनको रिलीज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर बिल्ड नंबर रेडी हो गया है। हमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, अभी वहाँ पर टेस्टिंग के अंदर रिलीज करा गया अपडेट है, वो टेस्टिंग में रिलीज हुआ है। तो वहाँ पर जैसे ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, सभी यूजर्स को मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक हमारे अच्छा संकेत यही होगा कि जो अपडेट हमें इंडिया में देखने को मिल जाएगा जल्दी से। बट अगर वहाँ पर चाइना के अंदर अपडेट्स में प्रॉब्लम होगी पोको M3 Pro 5G यानी कि Redmi Note 10 5G में, तो इंडिया में भी डिले हो सकता है। तो मैं आपको बस यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो अपडेट है ना कम से कम यहाँ पर मिड मई से पहले पहले अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा। एक अपडेट आने वाला है मिड मई से पहले पहले जो होगा या तो नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का, नहीं तो MIUI 13 का, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर MIUI 13 का अपडेट दे दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर चाइना के अंदर जो अपडेट है वो रिलीज कर दिया गया है। अब वेट करते हैं, जैसे अपडेट की और भी न्यूज आएगी आपको मैं वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।